लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद राहुल गांधी ने राजस्थान समेत सभी राज्यों से हार की समीक्षा रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पार्टी में बड़ा फेरबदल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस कवायद में उत्तर प्रदेश और राजस्थान को प्राथमिकता पर माना जा रहा है। इस मामले पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से की खास बातचीत। लोकसभा में हार के बाद राहुल गांधी ने एक समीक्षा बैठक बुलाने के मन से एक समीक्षा जो है सभी उम्मीदवारों से मांगी है, रिपोर्ट मांगी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पीएल पुनिया है, कांग्रेस के नेता, उनसे बात करते हैं। सर, रिपोर्ट में क्या कुछ डिटेल्स मांगी गई है इस बारे में? लोकसभा के चुनाव खत्म हुए और हर प्रत्याशी बूथ वाइज समीक्षा करता है, कहाँ कितने वोट मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले, उसकी समीक्षा करते हैं। लेकिन अब की बार AICC की तरफ से भी जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 20 है उसके ऊपर बूथ वाइज सूचना में लगवाई है और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पहल है। एक राष्ट्रीय स्तर पर सभी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज का बूथ वाइज आंकड़ा आना और उसका अध्ययन करना, क्या कोई विशेष पैटर्न है, विशेष परिस्थितियों में ज़्यादा वोट मिले हैं, विशेष परिस्थितियों में ज़्यादा वोट मिले हैं, इसी से अंदाज लगाया जा सकता है क्या हमारी कमी रही है और उस कमी को कैसे दूर किया जाए, आगे के लिए किस तरह सुधारा जाए। तो ये रणनीति बनाने में, अपनी पॉलिसी निर्धारित करने में इसमें सुविधा होगी, ये अच्छी पहल है। एक माना जा रहा है कि एक महीने के भीतर समीक्षा रिपोर्ट के बाद जो है बैठक भी होगी, तो रिपोर्ट के लिए डेडलाइन कब तक दी गई है उम्मीदवारों को, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, जो स्टेट जहाँ पर बेहतर कर सकते थे वहाँ परफॉर्म कांग्रेस नहीं कर पाई? देखिए, अभी तो सूचना मंगाई है और सूचना मंगाकर अध्ययन करने में कितना समय लगेगा, उसकी कोई मीटिंग बुलाई जाएगी कि नहीं बुलाई जाएगी, ये अभी कोई निर्धारित नहीं है। तो फिलहाल एक सूचना मंगाई गई है, ये भी कहा जा रहा है कि इस महीने के अंत तक जो है वो समीक्षा रिपोर्ट दी जाएगी सभी उम्मीदवारों की ओर से, AICC में इस रिपोर्ट को कलेक्ट किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV दिल्ली।